एक्ट्रेस उपासना सिंह ने फिल्मों के अलावा कई टीवी शोज में भी काम किया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कॉमेडियन कपिल शर्मा की बुआ का रोल निभाकर वो घर घर में फेमस हो गईं। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि उपासना सिंह के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। 17 साल की उम्र में उन्होंने जो फेस किया उससे वो काफी डर गई थी। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उपासना सिंह ने स्ट्रगल के भयानक इंसिडेंट को याद किया। उन्होंने बताया, एक वक्त ऐसा था कि एक भयंकर इंसिडेंट के बाद मैंने फिल्में करना ही छोड़ दिया था। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक साउथ के निर्देशक ने मुझे अनिल कपूर के ऑपोजिट कास्ट किया था और तब मैंने अपने सभी करीबियों को इसके बारे में बता दिया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने देर रात कॉल कर मुझे होटल में सिटिंग के लिए बुलाया। तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। वो कहती हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूं और मैंने उनसे कह दिया कि मैं अगले दिन आऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था वहां तक जाने के लिए। तब उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए कार भेज देता हूँ, और वो निर्देशक बोला कि तुम्हें सिटिंग का मतलब नहीं पता, फिल्म लाइन में आने के लिए सिटिंग तो करनी ही पड़ती। फिर मैं उसकी बातें समझ गई और जमकर उसे लताड़ा। मैंने उसी के ऑफिस में डांटा था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पिता की उम्र के हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। लेकिन बाद में अनिल कपूर की फिल्म मुझे नहीं मिली, जिसके कारण मैं खूब रोई थी। मैं 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी, फिर मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी। फिल्म जुदाई में उपासना सिंह का डायलॉग अब्बा डब्बा चब्बा काफी मशहूर हुआ था। इस फिल्म के जरिए उपासना को काफी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने बताया, मुझे अब्बा डब्बा चब्बा लाइन के बारे में बताया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गूंगा इंसान सिर्फ ये शब्द ही बोल सकता है। जुदाई इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग मुझे मेरे असली नाम के बजाय अब्बा डब्बा चब्बा के नाम से जानने लगे। मैंने बहुत सारे लाइव शो किए जहां लोगों ने मांग की है कि मैं वही डायलॉग बोलूं। उपासना सिंह एक्ट्रेस होने के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। उपासना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और वो 7 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हैं। वो स्कूल की तरफ से दूरदर्शन पर कार्यक्रम किया करती थीं। टीवी की दुनिया के साथ ही उपासना पंजाबी फिल्मों का भी एक जाना पहचाना चेहरा हैं। साल 1986 में फिल्म बाबुल से उपासना सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। अब तक वो 75 से अधिक फिल्में कर चुकी हैं और कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। हालांकि उन्हें पहचान कपिल शर्मा के शो से मिली। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।